इस महिला का नाम जया तिवारी है। इस महिला ने अपने ससुर नारायण तिवारी पर आरोप लगाया है कि इसके ससुर इनसे गलत संबंध बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि उन्हें जो चीज पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना उत्तर प्रदेश के सिकरपुर की बताई जा रही है। हमारे ससुर हमसे उल्टा सीधा डिमांड कर रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये सब हम उनकी डिमांडों को माने, पूरा करें, और हमसे ये सब नहीं होगा, इसके लिए हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है। आपके ससुर आपके साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, और इसी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं और आप उनसे सवाल कर रहे हैं। 2012 में हुई थी मेरी शादी, शादी को 12 साल हो गए। कैसे आपको पता चला कि हमारे साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं? हमारी सासू माँ के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था 2020 में, उसी समय हमसे उल्टी सीधी बातें करने लग गए। जैसे हम चाय लेके जाएं तो तुम हमको अच्छी लगती हो, और जो लड़की हमको पसंद आती है वो मेरी होती है, ऐसा करके बातें करने लग गए। तो हमारे समझ में आ गया कि कोई भी समझ जाएगा, लड़कियों के पास इतना क्षमता होता है कि वो समझ जाएं कि किसकी नज़र हमारे ऊपर कैसी है। ये यूट्यूबर रजत दलाल है। कल से इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये 140 किलोमीटर की स्पीड में अपनी कार चलाते हुए एक बाइक सवार को टक्कर मार देता है, और जब साथ वाली लड़की से बोलती है तो यह बोलता है मरने दो, यह सब होता रहता है। कुछ दिन पहले भी इस व्यक्ति पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन हर बार ये अपनी पहचान का इस्तेमाल करके बच जाता है। इस बार देखना है कि हरियाणा पुलिस इसके साथ क्या करती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसने ये वीडियो पोस्ट किया। तो भाई सभी को राम राम। रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसपे लोग बहुत आक्रोश दिखा रहे हैं, बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं। मेरे पार्ट पे भाई बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, ना तो मेरे पास मेरा कोई डाटा है, ना मेरे पास इस टाइम मेरा इंस्टा अकाउंट है। मुझे खुद को नहीं पता वो वीडियो कहां से वायरल हुआ है, कहां से आया है, क्या सीन है, अभी क्या आसपास का वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये उल्टी सीधी चीजें, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, ये बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। जीवन में एक आगे की तरफ दिशा देख के जा रहा हूँ। इस वीडियो में ये सफाई देता है, लेकिन एक शब्द का यूज करता है, वो है आसपास। इसका मतलब ये है कि वीडियो इसी का है, लेकिन ये काफी पुराना है, लेकिन वायरल अब हो रहा है। ना वो वीडियो आसपास रिसेंट का है। अब भगवान जाने भाई, मेरे को समझ नहीं आता, हर दूसरे दिन कोई एक वीडियो आ जाती है। अरे मेरे को समझ है भाई, पीछे पास्ट होता है, सबका होता है, पर जीवन में वो सारी चीजें मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ, सीख मिल चुकी है और सीख रहा हूँ। ना मैं किसी से कोई कलेश कर रहा हूँ और ना आगे करने वाला हूँ। गुजरात में भारी बारिश के दौरान गुजरात के वडोदरा में एक 15 फीट का लंबा क्रोकोडाइल घर में घुस गया। राजस्थान के सिरोही जिले में जब मीरपुर नदी के तेज बहाव में बकरियों के बहने का खतरा पैदा हुआ, तब देवासी समाज के लोगों ने एकजुट होकर के मानव श्रृंखला बनाई और एक एक करके बकरियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ए, इंदा